रिकवरी आफ्टर गायनेकोमास्टिया सर्जरी। इस पे मैंने कई सारी वीडियोस पहले भी बनाई हुई हैं, लेकिन बार बार लोग पूछते हैं कि कोई सा नयापन है, तो लेट्स डिस्कस कि मेरे जो मॉडर्न टेक्निक है गायनेकोमास्टिया सर्जरी की, उसके बाद आपका रिकवरी कैसा होगा सर्जरी की। जिस तरह से हम सर्जरी करते हैं वो एक डे केयर प्रोसीजर होता है। पेशेंट सुबह एडमिट होता है हॉस्पिटल में, सर्जरी कराता है और शाम को 4-5 बजे तक वो घर चले जाते हैं। वो डिनर पे अपना दोस्तों के साथ बाहर भी जा सकते हैं, वो इतना कंफर्टेबल होते हैं आफ्टर सर्जरी। पेन नहीं होता है, टाइटनेस डिस्कम्फर्ट होता है। क्यों? क्योंकि ब्रेस्ट टिश्यू और फैट निकालने के बाद हम चाहते हैं चमड़ी स्किन श्रिंक करके मसल से चिपक जाए, एक अच्छी शेप आ जाए, तो आपको एक कंप्रेशन गार्मेंट पहनाते हैं जो आपको सर्जरी के बाद कपड़ों के अंदर वेस्ट की जगह, बनियान की जगह, अंडरगार्मेंट की जगह 6 हफ्ते तक पहननी है। किसी को पता नहीं चलता, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टाइटनेस सा फीलिंग रहता है। अगले दिन से आप काम पे जा सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, यू कैन टेक बाथ, आप नहा सकते हैं, कोई बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है। इतना कंफर्टेबल सर्जरी होता है क्योंकि हम कोई बड़ा कट सामने निशान नहीं देते, एक की होल सर्जरी करते हैं साइड के कट से, किसी को कोई निशान दिख भी नहीं सकता। 1 हफ्ते के बाद, हाँ, आप ऑफिस भी अगले दिन जा सकते हैं, आप अपना काम कर सकते हैं, रेगुलर वर्क में कोई दिक्कत नहीं है। 1 हफ्ते के बाद आप अपनी कार्डियो एक्सरसाइजेस, रनिंग, जॉगिंग, पार्क में जाना, झूले झूलना, क्रिकेट खेलना सब शुरू कर सकते हैं। वेट ट्रेनिंग 2 हफ्ते बाद, एक्सरसाइजेस, पेक्टोरल एक्सरसाइजेस, पुशअप्स, पुलअप्स, सब कुछ 2 हफ्ते के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारे गायनेकोमास्टिया सर्जरी टेक्निक के बाद रिकवरी प्रोटोकॉल है। बहुत से लोग एप्रिहेंसिव रहते हैं कि क्या सर हम ये कर पाएंगे, वो कर पाएंगे, खाने पीने में परहेज। कोई खाने पीने में परहेज नहीं है। हमारे मोर देन 2000 सर्जरी गायनेकोमास्टिया के पेशेंट्स का ये हमारा एक्सपीरियंस है कि जिस तरह से हम सर्जरी करते हैं पेशेंट्स की रिकवरी इस तरह से होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई कैन अश्योर यू कि आफ्टर सर्जरी आप पूछेंगे मेरे से कि सर सिर्फ यही था, मैं कितने सालों से, कितने महीनों से सोच रहा था ये सर्जरी कराऊं नहीं कराऊं, एप्रिहेंशन था, डर रहा था, मेरे पेरेंट्स डर रहे थे, मेरी पार्टनर डर रहे थे, पर ये तो बहुत ही सरल था, बहुत ही आसान था। कुछ रिकवरी के प्रोटोकॉल्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं। कंप्रेशन गार्मेंट पहनना है, कुछ पोस्ट सर्जरी एंटीबायोटिक एनालिसिस के दिए जाते हैं, प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, वो लेनी है पहले 5 दिन तक। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको मसाज करना है ताकि आपकी स्वेलिंग, ब्रूजिंग आफ्टर सर्जरी जल्दी सेटल हो। अगर आपने ये सब फॉलो प्रोटोकॉल्स किए तो आपकी रिकवरी जैसे मैंने इस वीडियो में बताया वैसी ही होगी। अगर आपके दिमाग में कुछ भी और एप्रिहेंशन है, कुछ भी और डाउट्स है, हमसे लिखिए, पूछिए, हमसे मिले। मी एंड माई टीम आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू साइंटिफिकली।